खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। गाजीपुर उत्तर प्रदेश थाना खानपुर क्षेत्र अंतर्गत हाईवे पर वाहन की चपेट में आने से दो कांवड़ियों की हुई मौत। एक का ट्रामा सेंटर वाराणसी में इलाज चल रहा। तीनों कांवड़िया गाजीपुर के रहने वाले हैं। रविवार दिनांक 29/4/2024 समय रात्रि 9 बजे के आसपास तीनों कांवड़िया वाराणसी बाबा विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाने हाईवे पर पैदल जा रहे थे। पीछे से अज्ञात वाहन के चपेट में आने से दो की मौत हो गई। एक का इलाज ट्रामा सेंटर में चल रहा जो सुरक्षित है। घटना की जानकारी मिलते ही गाजीपुर पुलिस अधीक्षक इराज राजा व DIG वाराणसी घटना स्थल पर पहुंचकर मृतक के परिवार को सांत्वना दिया। घायल को उपचार के लिए तुरंत वाराणसी ट्रामा सेंटर भेजा गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा कुछ अतिरिक्त वाहनों को कब्जा में लिया। आगे सुने पुलिस अधीक्षक इराज राजा की जुबानी रिपोर्ट। कल रात एक सूचना प्राप्त हुई थी रात में लगभग 9 बजे की, थाना खानपुर क्षेत्र अंतर्गत जो आजमगढ़ बिहारी मार्ग है वहाँ पर कुछ कांवड़ियों की एक दुर्घटना में मृत्यु हुई है और एक कांवड़िया घायल था और एक कांवड़िया की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। जो घायल कांवड़िया था उसको हम लोगों ने तत्काल मेडिकल कॉलेज रेफर करवाया था लेकिन वहाँ पर उसकी मृत्यु हुई। तो ये दो लोग हैं और दोनों वहीं पर अमेदा गांव के रहने वाले हैं। दोनों ही अभी नाबालिग लड़के थे और गाजीपुर के ही हैं और दोनों लोग बनारस जा रहे थे अपना जल चढ़ाने के लिए। तो तत्काल मौके पर मैं भी पहुँचा और DIG साहब भी बनारस से आए थे और इसमें सभी कार्रवाई इसमें की जा रही है। मुकदमा इसमें लिख लिया गया है और एक दो संदिग्ध वाहन जो थे उनको भी हम लोगों ने पकड़ा है और उनकी जांच की जा रही है। रास्ते में क्योंकि एक साइड रोड था और वहाँ रास्ते में काफ़ी अंधेरा था इस कारण ये घटना हुई है, लेकिन हमारी टीमें लगी हुई हैं और उस गाड़ी को और जो भी चालक था उनके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई इसमें। इसमें एक व्यक्ति घायल था जिसको कि बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर BHU में शिफ्ट किया गया था और अभी उसकी कंडीशन ठीक है और वो बेहतर है कल से। और बाकी जो दोनों व्यक्ति जिनकी मृत्यु हुई है दोनों लड़कों की, उनका हम लोगों ने PM आज उनका कराया जाएगा और लगातार हम लोग परिवार के संपर्क में और सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पहुंचे थे और जो भी सहायता होगी आर्थिक सहायता वो अन्य सहायता है वो उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। सर आप लगातार जो है वो कल रात का एक वीडियो आया कि आप जांच भी कर रहे हैं, इसमें कांवड़ियों को या जो शिव भक्त हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए इसमें क्योंकि जो हमारे मुख्य मार्ग हैं जो भी हाईवेज हैं वो हम लोगों ने एक साइड से ब्लॉक कर रखे हैं तो सभी लोगों से ये निवेदन है कि थोड़ा सा कोई ना कोई लाइट का सोर्स अपने साथ लेके चलें क्योंकि अंधेरे के कारण कई बार घटनाएँ हो जाती हैं और अंधेरे में दिखाई नहीं देता है कोई अगर व्यक्ति रोड पे जा रहा है। और मेन हाईवे पे तो हमारी लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी है और एक तरफ सड़क के डाइवर्जन भी हैं सभी कांवड़ यात्रियों के लिए श्रद्धालुओं के लिए वो बेहतर हम लोगों ने बनाया है सिस्टम। लेकिन जो साइड रोड है कल वाली घटना भी साइड रोड पे हुई है, सभी से यही है कोई ना कोई लाइट सोर्स लेके टॉर्च वगैरह अपने साथ लेके चलें ताकि सामने आने वाले वाहन को या सामने आने वाले व्यक्ति को भी दिखाई देता रहे कि कोई वहाँ से जा रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें और हम लोग भी कुछ संस्थाओं से बात करके प्रयास करेंगे कि रिफ्लेक्टिव टेप्स वगैरह भी उनके कांवड़ियों के ड्रेस पे लगाए जाएं ताकि अंधेरे में अन्य वाहन है रिफ्लेक्शन क्रिएट हो और उनकी विजिबिलिटी थोड़ा सा बढ़े। गाजीपुर से जिला संवाददाता राम प्रवेश राय की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।